दोस्तों, मैं उपम झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के। अगर आप गांव में घर बनवाना चाहते हैं और आपके पास एक खेत है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मॉडल होने वाला है। जो मॉडल आज मैं लेकर आया हूं, ये हमारे एक पेड सर्विस का हमारी यूज की थी एक लोगों ने, तो उन्हीं का ये मॉडल है और इसका साइज़ है अप्रॉक्स 40 इसका फ्रंट है और 50 इसकी गहराई है, मतलब लंबाई है। लगभग 40x50 फुट में बना हुआ है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और इस मॉडल को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर बहुत ही कम दामों पर। तो पूरा डिटेल के साथ आज हम बात करने वाले इस वीडियो को, तो बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक ना स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे वीडियो पाने के लिए तो जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लगातार ऐसे अपडेटेड और नए मॉडल्स देता रहता हूँ। तो आज का जो मॉडल है 40x50 का, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम आपको ले चलते हैं डायरेक्ट कम। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आपके पास पूरा मॉडल यहाँ पर दिख रहा है 40x50 फिट में। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा, ये 40 फिट इसका फ्रंट है और गहराई की बात करें तो 50 फिट अप्रॉक्स है। इसमें थोड़ा सा पोर्च भी आगे एक्स्ट्रा निकला हुआ है। और ये मकान दोस्तों खेत में बना हुआ है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले से बताया था। खेत का मतलब चारों तरफ से ओपन है, चारों तरफ इनकी जगह है, इस वजह से चारों तरफ से छज्जा निकला हुआ है और चारों तरफ ग्रिल भी बनी हुई है और चारों तरफ विंडो वगैरह भी लगी हुई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ विंडो वगैरह सब कुछ यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा प्लान आज का होने वाला है, इसी को हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मेहनत से दोस्तों ये प्लान को मैंने क्रिएट किया है, हमारे जो पेड यूजर थे उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो ये पूरा मॉडल आज हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं 40x50 फिट में। तो फ्रंट तो आप देख ही रहे होंगे कितना बेहतरीन सा देखने में लग रहा होगा, ग्रिल वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। और ये 5 बेडरूम हाउस है दोस्तों, 40x50 में 5 बेडरूम के साथ एक घर का नक्शा बना हुआ है। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये देखिए दोस्तों, मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका हूँ, यही पूरा मॉडल आज हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। और जब इसका टॉप व्यू दिखाऊंगा तब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में आपको बने रहना है। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट की, तो ये देखो दोस्तों पोर्च एरिया है और ये स्टेयर्स है जहाँ से आप ऊपर जाएंगे। और आप ध्यान अगर देंगे ना, तो इधर का पोर्च थोड़ा सा कम है और इधर का पोर्च का एरिया ज़्यादा है। ये भी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ है। तो जैसे आप अंदर चलेंगे तो ये पूरा एक बड़ा सा पोर्च और बेहतरीन सा डिज़ाइन, और ये इसका मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे, दोनों साइड विंडो है। और ये दोस्तों फ्रंट में बेडरूम बने हुए हैं, इस वजह से उन्हें विंडो लगा रखी है। देखिए यार टॉप व्यू इसका देखते हैं, जब ऊपर से आप देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा ये पूरा मॉडल आप होने वाला, बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैं डिस्क्राइब करूंगा जिसमें सब कुछ समझ में आ जाए। दोस्तों फ्रंट के साथ इसमें एक साउथ साइड में भी डोर दिया गया है, ये देख सकते हैं डोर, क्योंकि यहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडल का मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो ये जैसे आप पोर्च से एंट्री करते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले देखिए कि 2 बेडरूम आगे मिलते हैं। तो पहला मैं राइट हैंड डिस्कस करूँ तो राइट हैंड के लिए एक डोर लगा हुआ है इस बेडरूम को एक्सेस करने के लिए। देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूं, इस डोर से आप अंदर जाएंगे और ये कॉर्नर का बेडरूम है, इस वजह से यहाँ पर 2 आपको विंडो देखने को मिलेगी, एक फ्रंट से और एक साइड से। और इधर अगर हम बात करें तो इधर भी आप एक्सेस कर पाएंगे इस बेडरूम को, ये भी कॉर्नर का बेडरूम है, इस वजह से यहाँ भी विंडो आपको मिलेगी फ्रंट से और साइड से। यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि यहाँ पर दोस्तों दरवाजे 2 मिलते हैं इस बेडरूम में, एक आपको बाहर से और एक अंदर से भी दिया है, भी मैं डिस्क्राइब करूँगा। मेन डोर ये है दोस्तों, यहाँ से जैसे आप एंट्री करेंगे तो पहुँच जाते हैं अपने आंगन में या डाइनिंग हॉल में, जिसे बोल सकते हैं। अब राइट हैंड की बात करूँ तो इधर एक और बेडरूम मिलता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको 5 बेडरूम चाहिए थे। इसके बाद ये आपकी स्टेयर्स है, यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर वापस आएंगे। और इस कॉर्नर पर दोस्तों मैंने किचन बना रखा है बड़ा सा, और ये पूजा घर है, ये किचन और ये पूजा घर। किचन में देख सकते हैं दोस्तों आपकी 2 विंडो लगी, क्योंकि कॉर्नर पर है और स्टेयर्स के जगह भी मैंने वेंटिलेशन दे रखा है। इसके बाद दोस्तों इस कॉर्नर की बात करें लेफ्ट हैंड की, तो 2 बेडरूम और देखने को मिलते हैं, दोनों के दरवाजे इधर से हैं और एक कॉर्नर की वजह से विंडो 2 हैं और एक में केवल सिंगल विंडो इसमें आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम फ्रंट से बात करें तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर ये दोस्तों आपका एक लेट एंड बाथ कमांड बना हुआ है, और इसी लेट एंड बाथ की से ही आपका एक स्पेस गया है, जिसको मैंने साउथ में डोर ओपन कर दिया है, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी इनको एक साउथ में भी डोर चाहिए था। तो 2 पीछे बेडरूम है, ये आपका पूजा घर है, ये आपका किचन है, ये स्टेयर्स है, ये आंगन है, लेट बाथ है, यहीं से डोर है,
आगे ये और एक बेडरूम और आगे दो बेडरूम, तो टोटल आपके पास 5 बेडरूम वाला ये घर का नक्शा 40x50 फुट में ग्रामीण क्षेत्र में खूबसूरत और बेहतरीन सा बनकर रेडी होता है। और आप देख सकते हैं बीम का डिज़ाइन वगैरह बहुत ही बेहतरीन मॉडल मैंने बनाकर यहाँ पर दिया है। अगर आप इस मॉडल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर दोस्तों जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो दोस्तों बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे आप ऊपर आएंगे देख सकते हैं चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल मैंने दिया है। फ्रंट में बेहतरीन से ग्रिल कॉम्बिनेशन देखिएगा, कितना बेहतरीन से ग्रिल का कॉम्बिनेशन भी दिया है। मोल्डिंग वगैरह बहुत ही बेहतरीन बनी है। मैंने कुछ चीज़ें जैसे कार हो गया, ये मैन वुमेन वगैरह खड़े हैं डेकोरेशन की वजह से खड़े कर रखे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन मॉडल बनकर ये 40x50 में लगभग 2000 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है। तो दोस्तों ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मॉडल अगर आपको हमारे पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब आप घर बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर कॉलिंग नहीं लगेगा, इसका विशेष ध्यान रखें। व्हाट्सअप पर आप हमें कॉन्टैक्ट करिएगा और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूँगा। आज का ये मॉडल पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत सारे अपडेट देता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।